ओम शांति। 30 सितंबर की शुरू में आप सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भवा। दाता की देन क्या है, उसको स्मृति में रखना है। परमात्मा ने दिया क्या है हमें, धन संपत्ति की बात नहीं हो रही, लेकिन ज्ञान रूपी धन संपत्ति की बात हो रही है। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। मतलब आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो उनके गुण देख करके, उनकी विशेषता देख करके। लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। परमात्मा कह दिया है ना, कहते हैं ना कि मैं इस एक्टर का फ़ैन हूँ, है ना, आई एम ए फ़ैन ऑफ दिस एक्टर। परमात्मा कहते हैं ये गलत है। आप किसी ब्रह्म कुमार कुमारी के भी आप फ़ैन नहीं बन सकते हो, उनसे आप आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको गुण और शक्ति देने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा। तो होना किससे आकर्षित है, व्यक्ति से, कि व्यक्ति को जो बनाने वाला है उससे? तो भगवान से आकर्षित हो कि भगवान की रचना से आकर्षित हो। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है, वाह वाह करो ना। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, है ना। लगावों से मुक्त मतलब क्या है, इसके बिना मैं सेवा नहीं कर सकता, ये होगा तभी सेवा अच्छी होगी, या ये बोलेंगे तो तभी अच्छा होगा, ये फिक्र हो जाता है। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या होता है, हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं और उसे, औरों को हम आगे रखते हैं कि अरे ये तो बहुत हमसे अच्छे हैं, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन उनकी विशेषता परमात्मा ने दी है, मुझे भी परमात्मा ने विशेषता दी है, मुझे अपने पर फोकस करना है और उसे आकर्षित नहीं होना है। मुझे परमात्मा की वाहवाह करनी है, अन्यों की वाहवाह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।